It does say it's pinch proof, but is it curling proof? Assalamu alaikum, beautifuls. How are you today? Do let me know in the comment section. How are you doing today? So today I want to share this an amazing product. पहले मैं आप इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं तो चले. I do want to share with you guys my first impression about this product because I was really excited. क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सी चीज़ है. आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक दिस. बाय द वे ये मैंने कंटेनर बाजार से बाय किया था. आई डू हैव अ वीडियो ऑन दैट बाजार. यू कैन चेक दैट आउट. आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अच्छा, रेवलॉन एक बड़ी वर्ल्ड रेनाउंड कंपनी है. इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं. दैट्स वाई और दैट्स इस वजह से मैंने ये बाय किया था. सो अच्छा, इसके पीछे से ना एक क्लिप होता है जहाँ से आप इसको पिंच करके आप इसको अपनी लैशेस कर्ल कर सकते हैं. प्लस इसके बॉटम पे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रबर भी अवेलेबल होता है इन केस यू नीड फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज़. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो बाकी बातें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. ओके, अब आपने देख लिया होगा कि एज यू हैव रेड द कैप्शन कि दिस इज अ रेवलॉन लिमिटेड एडिशन मिनी लैश ब्राउ सेट. और इसके साथ जी एक ये कॉम टाइप आती है दैट यू कैन कॉम योर हेयर विद दिस. और इसकी दूसरी साइड पे, अच्छा इसकी कॉम जो है ना थोड़ी इरिटेटेड है, इट्स नॉट कंफर्टेबल, चुभ रही थी मुझे. सीरियसली आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एज आई हैव अनबॉक्स इट इन फ्रंट ऑफ यू. सो इसकी स्पूरी देख लेते हैं. स्पूरी इज नॉट बैड, स्पूरी आई कैन वर्क विद. ठीक है, ठीक है. नाउ कम टू द मेन इंस्ट्रूमेंट. ये रिवाज का मेरे पास आई लैश कलर है, मैं ये यूज करती थी और इससे पहले मेरे पास ये था. सो वाई दिस वन वॉन्ट्स मी टू बाय इट बिकॉज इट सेज दैट इट इज पिंच प्रूफ. लिटरली आप भी कभी तो कभी क्या क्या उठा लिया. अच्छा, आपको भी कभी ना कभी आई लैश कलर से यहाँ पर पिंच तो हुआ होगा. यानी लिटरली पिंच मीन्स कि आपको भी कभी ना कभी स्किन आ गई होगी. सो वट दिस मेक्स मी बाय इट दैट इट क्लेम्स दैट इट इज पिंच प्रूफ. सो इसका डिजाइन भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो अपने वीडियो में देख लिया होगा. सो यहाँ से आपने इसको नीचे करना है एंड देन इट विल जस्ट डू इट्स जॉब. सो लेट्स टेस्ट दिस प्रोडक्ट. सो करना क्या है, आपने इसको अपनी आईज के बिल्कुल पास रख के एंड यू जस्ट आई नीड अ मिरर. गाइज, यहाँ मैंने बेवकूफ़ी की थी कि मैंने अपने साथ मिरर नहीं रखा था. आई थॉट इट गॉट मी सो इजी कि मुझे मिरर की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट तो मुझे लगता है मेरे बाल, देखिए मेरे साथ क्या हुआ. ओ, ये टूट गया. ओ शूट, इधर टूट गया. गाइज ये टूट गया. I'm really struggling with this. Kar de kar teri meherbani bhai. On this I'm going to use my handy dandy rivaj one. Acha, karna kya hota hai, apne the best thing to apne baal rakhe, start with the roof. Roof not roof, roots ke upar apne ek likhna hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aur fir apne thoda sa aage aake middle mein aa jana hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 times apne karna and then just come on the tips of the lashes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा, what it does कि आपकी अब lashes curl तो हुई है but all the way curl. 10 times अपने root पे, फिर middle पे और फिर one पे. If you really want the most out of your curler, this is the best curl my lashes. It's not that it's totally bekar. It does curl my lashes but it's don't worth the money or don't worth the hype of it. So but it's handy. आप इसको अपने bag में रख सकते हैं if you want to carry. But कौन है जो middle of the day want to curl your lashes seriously? ऐसे भी लोग होते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट वन ऑफ दोस. बट इफ यू गोइंग समवेयर एंड आप अपने मेकअप बैग में ये कैरी कर सकते हैं, इट इज टोटली सेफ एंड इट इज अ गुड. बट इफ इट डज क्लेम दैट इट्स पिंच प्रूफ, इट्स नॉट पिंच प्रूफ, डेफिनेटली नॉट पिंच प्रूफ. और इन फ्रंट ऑफ यू ये थोड़ा टूट भी आ गया था बट आई एम अ मास्टर तो मैंने ये जोड़ लिया. खैर, सो दिस इज अ क्विक वीडियो, होप यू लाइक इट एंड
आई लव कर्लिंग माई आई लैशेज एंड ये आपको जरूर मस्कारे से पहले एक स्टेप कर लेना चाहिए, बट वैसे मैं अक्सर बोल जाती हूँ, बट वेन एवर आई रिमेंबर आई डू डू दिस. सो होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन. आई एम सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, हिट दैट बेल आइकन सो एवरी टाइम अपलोड यू गेट अ नोटिफिकेशन एंड यू वॉच माय वीडियो फर्स्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.